झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने खनन मामले में पूछताछ के लिए आज बुलाया है और हेमंत सोरेन को ईडी ने समन भेजकर अपने रांची वाले दफ्तर में सवाल जवाब के लिए पेश होने के लिए कहा। इस मामले में पुलिस ने पहले एक आरोपी को गिरफ्तार किया था जिसके पास से हेमंत सोरेन के बैंकिंग दस्तावेज पुलिस ने बरामद किए थे और इसी बिना पर हेमंत सोरेन को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पुतिन के लिए यूक्रेन की जंग लड़ रहे रमजान कादिरफ अब चेचनिया के लोगों से सेना में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। कादिरफ ने इसके लिए एक वीडियो भी जारी किया। यूक्रेन ने कई बार दावा किया कि जंग में बड़ी संख्या में चेचन लड़ाके मारे गए हैं, जो अपने कमांडर के इशारे पर 8 महीने से भी ज्यादा वक्त से यूक्रेन की सेना से लड़ रहे हैं। वो बिना कुछ सोचे समझे यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में जेलेंस्की की सेना से मुकाबला कर रहे हैं। दावा किया गया कि इस दौरान बड़ी संख्या में चेचन लड़ाके मारे भी गए। कुछ रोज पहले तो खेरसोन में यूक्रेन ने कादिरफ के लड़ाकों पर जोरदार हमला बोला था। उनके उस ठिकाने को ही तबाह कर दिया गया था जहां बैठकर वो यूक्रेन की सेना पर हमले की तैयारी में जुटे थे। कादिरफ ने भी इस बात को कबूल किया था कि यूक्रेन ने उन्हें पहली बार इतनी बड़ी चोट दी है, क्योंकि उस हमले में 40 से ज्यादा चेचन लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया गया था और माना जा रहा है कि इसी वजह से यूक्रेन